हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर। टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉम चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर से। इसमें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या मेल फंक्शनिंग हो सकती है आपकी बॉडी में। मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड ब्लड, अ कंडीशन कॉल यूरेमिया। आपको याद रखना, यूरेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसकी आपकी बॉडी में यूरिया एक्यूमुलेट हो सकता है आपके ब्लड में। अब थोड़ा यूरिया तो चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा था ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमें बिल्कुल भी यूरिया नहीं रखना है। यूरिया रखना है, लेकिन अगर आपके किडनीज़ में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो ज़्यादा एक्सेस जो है यूरिया हो सकता है, या उतना नहीं रिक्वायर्ड है ब्लड में, उतना यूरिया रह सकता है ब्लड में आपके, जो कि नहीं रखना है। तो वो चीज़ें यहाँ बताई गई कि वो यूरेमिया की एक सिचुएशन है। यूरेमिया मतलब यूरिया इन ब्लड, ठीक है, विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर, और धीरे धीरे करके आपकी किडनी फेलियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव बाय प्रोसेस कॉल हीमोडायलिसिस। आपने ये प्रोसेस पहले भी पढ़ी हुई है, इसे हीमोडायलिसिस कहते हैं, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यूरिया को रिमूव किया जाता है इन द सिचुएशन ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेल बहुत सारे रीजंस के कारण हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई सीवियर इंजरी हो सकती है, कोई सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे किडनी फेल हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में दो चीज़ें होती है, या तो किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाए, जो कि थोड़ा कॉस्टली भी है और उसमें रिस्क्स भी हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है, वो किसी न्यू ऑर्गन को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता, और उसमें भी हमें फिर डीएनए मैचिंग वगैरह देखना पड़ता है कि डीएनए मैच हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें कंसिडर करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी पेशेंट को इमीडिएट अटेंशन के लिए सबसे पहले उसका डायलिसिस कर दिया जाता है, ताकि उस पर्सन की बॉडी से जल्दी जल्दी जो हार्मफुल वेस्ट है वो रिमूव हो सके, अनटिल एंड अनलेस एक प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको जो है, फाइनल ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड, जब तक प्रोवाइड नहीं होता तब तक ये चीज़ करी जाती है। तो थोड़ा सा हीमोडायलिसिस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हीमोडायलिसिस में एक्चुअली होता ऐसा है कि एक आर्टरी आपकी बॉडी की, एक कन्वीनियंट एक आर्टरी है, वहाँ से ब्लड निकाल लिया जाता है। इस ब्लड को डायलिसिंग फ्लूइड, एक डायलिसिंग चैम्बर होता है उसमें डाला जाता है, जिसमें डायलिसिंग फ्लूइड रहता है। इसका कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली वही कॉम्पोजिशन होता है जो आपके ब्लड का होता है, बस इसमें एक चीज़ नहीं होती, वो क्या है, नाइट्रोजनस बेस्ड जो होते हैं वो नहीं होते। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे करके जब पूरे बॉडी का ब्लड इसमें एक बार जो है पास किया जाता है, तो अब उस ब्लड में सारी चीज़ें हैं जो बाहर कॉम्पोजिशन है, यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो बाहर अगर नाइट्रोजन वेस्ट है ही नहीं और अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर ये वर्क करता है, और धीरे धीरे करके जो है थोड़े थोड़े टाइम पे डायलिसिंग फ्लूइड जो है इसको थोड़े थोड़े टाइम पे चेंज कर दिया जाता है। और एक और चीज़ में आपको ध्यान रखने की, हेपारिन नाम का एक जो है एंटी कोगुलेंट कह सकते हो आप, उसमें डाला जाता है, इसीलिए ताकि ब्लड कोगुलेट ना हो। क्योंकि अगर आप आर्टरी में कट लगाओगे या आर्टरी के ऊपर जो रीजन है स्किन का वहाँ कट लगाओगे, तो बॉडी सबसे पहले तो कोगुलेशन करने लग जाएगी, तो वो ना हो इसलिए हेपारिन नाम का एक सब्सटेंस उसमें जो है डाल दिया जाता है, ताकि ये एक एंटी कोगुलेंट है, यानी कि कोगुलेट नहीं करने देता। अगर कोगुलेट कर गया तो ब्लड आएगा ही नहीं, तो ये सिचुएशन ना हो इसीलिए। ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू द डायलिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटी कोगुलेंट लाइक हेपारिन। ये मैंने आपको बता दिया कि कन्वीनियंट आर्टरी होती है जहाँ से ब्लड निकाला जाता है, और एक डायलिसिंग चैम्बर या डायलिसिंग यूनिट होती है, इससे पहले जो है एक एंटी कोगुलेंट इसमें डाला जाता है, इसका नाम होता है हेपारिन। द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफिन ट्यूब। ये आपको पता होगा कि डायलिसिंग चैम्बर जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा ट्यूबिंग रहती है, बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें सेलोफिन ट्यूब्स रहती हैं, ताकि वो उसमें कम्प्लीटली एक एक करके जो है फ्लूड आ सके। सराउंडेड बाय अ फ्लूड जिसे कि डायलिसिंग फ्लूड कहते हैं, हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। द पोरस सेलोफेन, पोरस मतलब आप समझ लो इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब आप एक चीज़ समझ सकते हो, देखो अगर होल्स हैं तो आप ये सोच रहे हो कि पूरा क्यों नहीं निकलता, इसलिए नहीं निकलता क्योंकि अंदर भी वही सेम कॉम्पोजिशन है जो उसके बाहर भी वही कॉम्पोजिशन है जो अंदर कॉम्पोजिशन है। तो चीज़ें बाहर अंदर नहीं करती हैं, तब तक चीज़ें तभी अंदर बाहर करेंगी जब उनके कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आएगा, तभी वो नेचुरली चीज़ें तभी चेंज होती हैं जब उनके कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आता है कहीं पर भी। मेम्ब्रेन्स ऑफ द ट्यूब अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। यही मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजनस वेस्ट जहाँ नहीं है वहाँ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होगा उसका, और वहाँ पर वो फ्लो करेगा अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। As nitrogenous wastes are absent in the dialysing fluid, these substances freely move out
देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड. तो यही तरीका है इसमें से इम्प्योरिटीज़ को बाहर करने का. द क्लियर ब्लड इज़ पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हेपेरिन. अब इसमें एंटी हेपेरिन इसलिए डाला गया क्योंकि पहले हेपेरिन डाला गया था, तो अब ऐसा ना हो कि ब्लड जो है वो कोगुलेट ही ना हो. अब हमें कोगुलेट भी करना है, जब सारा ब्लड चला जाएगा बॉडी में तो उसमें फिर कोगुलेट भी उसे करना होता है, तो फिर वो इसमें एंटी हेपेरिन डाल दिया जाता है. टू दिस मेथड इज़ अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. यूरेमिक पेशेंट मैंने आपको बताया था जब यूरिया एंड ब्लड होता है, ठीक है, तो इन ऐसे पेशेंट्स के लिए एक बून है ये. किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर्स. अगर कम्प्लीटली आपका किडनी फेल हो गया है, रीनल फेलियर हो गया आपको, तो उस सिचुएशन में आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ही ज़रूरत पड़ती है, जब कोई सेकेंड ऑप्शन आपके पास नहीं बचता. अ फंक्शनिंग किडनी इज़ यूज इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, प्रेफरेबली अ क्लोज रिलेटिव. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया डीएनए मैच होना चाहिए, तो अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव है तो उससे आपकी बॉडी जल्दी डीएनए मैच करती है, तो जो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स होते हैं वो उतनी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट क्रिएट नहीं करते. टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, ये मैंने आपको बताया. मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक. ये एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करने के बाद ही इतना बड़ा ऑर्गन किसी की बॉडी में हम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन आजकल ऐसे क्लिनिकल प्रोसीजर्स आ गए हैं जिससे इस प्रोसेस की भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन में भी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. अब एक बताया गया है रीनल कैलकुलाई. ये होता है सिंपल सी एक स्टोन्स की प्रॉब्लम है, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स फॉर्म विद इन द किडनी. आपकी किडनी की किसी भी रीजन में सॉल्ट जो है स्टोन्स क्रिएट हो सकते हैं. ये स्टोन्स बेसिकली ऑक्सैलेट्स के होते हैं. ये सॉल्ट है आपकी बॉडी में ही पाया जाता है, अगर आप वाटर कम इंटेक करते हैं तो उस कारण से सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं किडनी किसी भी पोर्शन में, और इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं रीनल कैलकुलाई. उसके बाद हमारे पास आता है ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस. ये एक इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, मतलब किडनी में इन्फ्लेमेशन होना, इसको हम कहते हैं जो ग्लोमेरुलस है वो हमें जो डिस्कस किया था ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस. सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. इसी के साथ आपका ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाता है. आई होप आपको सारी वीडियोज़ जितनी भी इस चैप्टर की हैं वो हेल्पफुल रही हों. और उसके साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कीजिएगा. आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.